हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जो आपके सेंटेंसेस की प्रॉब्लम को एकदम सॉल्व कर देगा। आप कहीं भी जाते हैं तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछ देता है तो आपका जवाब, हाँ अंकल क्या क्या पूछा आपने? नहीं मैं बता रहा हूँ, हु इज ये रहता है, क्योंकि आपको सेंटेंसेस आते नहीं, आप पढ़े रहते हैं लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन आज एक टिप ऐसी मैं बताने वाला हूं जिससे कि आपकी सेंटेंसेस की प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाएगी। सेंटेंसेस को पूरी तरीके से जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। सेंटेंसेस को जानने के लिए आपको सबसे पहले, सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं तो मैं आज 2 प्रकार के सेंटेंसेस को आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, असर्टिव और इंटरोगेटिव। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट होते क्या है। सिंगुलर सब्जेक्ट मैं बता दे रहा हूं, एकदम एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ही सी इट दिस दैट तथा किसी एक वस्तु या व्यक्ति के नाम को हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। एंड प्लूरल सब्जेक्ट वो होता है, जैसे एग्जांपल में आई वी यू दे दिस दोस तथा किसी एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति के नाम को हम लोग। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं असर्टिव सेंटेंस पे। असर्टिव सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें करना होगा एक काम कि हमें उसके सेंटेंस फॉर्मेशन को याद करना होगा। असर्टिव का सेंटेंस फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस एक्जुलरी वर्ब प्लस निगेटिव वर्ड प्लस वर्ब और प्लस कंप्लीमेंट। इस प्रोसेस को हमें फॉलो करना होगा और इसको जब हम फॉलो करेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं असर्टिव सेंटेंस में, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम एक अच्छा लड़का है। अब राम एक अच्छा लड़का है, अब चलते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ। सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट प्लस एक्जुलरी वर्ब प्लस निगेटिव वर्ड प्लस वर्ब और प्लस कंप्लीमेंट। अब सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट हमेशा शुरुआत में ही रहता है, अक्सर करके बीच में हो जाता, नहीं शुरुआत में रहता है। तो राम यहां पे क्या है? सब्जेक्ट है। तो राम पहले लिख लेते हैं, इसमें सब्जेक्ट दिया है तो सब्जेक्ट लिखते हैं राम, हो गया। प्लस एक्जुलरी वर्ब दिया है तो हम एक्जुलरी वर्ब इसमें देखेंगे है, क्या है? यह है एक्जुलरी वर्ब। अब इसमें देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट राम है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें लगाएंगे इज। उसके बाद निगेटिव वर्ड नहीं है, उसके बाद वर्ब भी नहीं है, उसके बाद बचा कंप्लीमेंट यानी जो कुछ बच गया है उसमें बचा है एक अच्छा लड़का, तो लिख देंगे इज अ गुड बॉय, आराम से हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, राम एक अच्छा लड़का नहीं है। अब राम एक अच्छा लड़का नहीं है तो इसमें सब्जेक्ट देखते हैं, यहां दिया है, सेंटेंस फॉर्मेशन में जाएंगे इसके सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वहां पे राम भी है, राम ही है तो राम। और यहां देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां लिखेंगे राम इज। अब यहां पे देखो क्या दिया है, निगेटिव वर्ड, यहां इसमें निगेटिव वर्ड है नहीं तो नॉट अ गुड बॉय, वही प्रोसेस है, एकदम सिंपल है। बस ये हमें सेंटेंस फॉर्मेशन याद कर लेना है, बाकी सब क्लियर है, बाकी सब आपको आ जाएगा। आप किसी भी सेंटेंस को इसी तरीके से लगाएंगे, कोई गलत नहीं कर पाएगा, वो सब कुछ आपका सही रहेगा। अब चलते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। दूसरा सेंटेंस है इंट्रागेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस में भी हमको सबसे पहले जरूरत पड़ती है सेंटेंस फॉर्मेशन की। अब इंट्रागेटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है पहले हम लोग जान लेते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस एक्जुलरी वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस निगेटिव वर्ड प्लस वर्ब प्लस कंप्लीमेंट। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल इसमें लेते क्या है कि क्या राम
एक अच्छा लड़का है, वही एग्जांपल है, बस इसमें क्या ऐड हो गया है। जब भी हम क्या से कोई भी इंटरगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम लोग क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, यानी यहाँ हम सेंटेंस फॉर्मेशन पे चलते हैं। इसके क्वेश्चन वर्ड प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस निगेटिव वर्ड प्लस वर्ब और प्लस कॉम्प्लीमेंट, यानी क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी इसमें लिखेंगे नहीं क्योंकि क्या की शुरुआत हुआ है तो क्या की अंग्रेजी हम लोग नहीं लिखते हैं। हम चलते हैं एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब क्या है? है, मैंने पहले ही बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो यहां लगाएंगे इज, तो हम लोग इज लिख देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट इसमें राम है तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, लिख देते हैं। उसके बाद अब चलते हैं निगेटिव वर्ड की तरफ। निगेटिव वर्ड इसमें है नहीं। उसके बाद वर्ब, वर्ब इस टाइप के सेंटेंस में होता नहीं। उसके बाद चलते हैं कॉम्प्लीमेंट की तरफ। अब क्या हो गया? राम हो गया, है हो गया, उसके बाद बच रहा है एक अच्छा लड़का, तो लिखेंगे अ गुड बॉय। इसमें एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि इंटरगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। दूसरा एग्जांपल है डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन ये दूसरा है इंटरगेटिव सेंटेंस का, ये सेकेंड पार्ट है। पहला था जो क्या से प्रारंभ होता था, अब ये दूसरा है जो डब्ल्यू एच टाइप, यानी कब क्यों कहां कैसे इसमें क्वेश्चन वर्ड पाए जाते हैं, यानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, राम एक अच्छा लड़का क्यों नहीं है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि राम एक अच्छा लड़का क्यों नहीं है। तो अब चलते हैं इसमें सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ। सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है? क्वेश्चन वर्ड। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले मैंने बता दिया था कब क्यों कहां कैसे, ये सब हिंदी में आएंगे तो यही सबको क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, यानी ये डब्ल्यू एच यानी हाउ व्हेन वेयर व्हाई, यही सब क्वेश्चन वर्ड हैं। तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले इसमें लिखते हैं, तो लिखते हैं व्हाई। उसके बाद दिया है एक्जुलरी वर्ब। एक्जुलरी वर्ब इसमें राम है तो राम आप जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राम और यहां पे लिखेंगे इज, और उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट पता है आपको कि राम है। उसके बाद इसमें देखेंगे निगेटिव वर्ड है सेंटेंस फॉर्मेशन में, तो निगेटिव वर्ड लिखेंगे। निगेटिव वर्ड इसमें है नॉट, तो लिख देंगे। उसके बाद वर्ड होता नहीं, कॉम्प्लीमेंट बचा यानी एक अच्छा लड़का, तो लिख देंगे अ गुड बॉय। बाकी सब इसी टाइप का है, बाकी सब इसी टाइप का है। और भी एग्जांपल्स मैं बता सकता हूं लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसीलिए इसको इसी पे एंड करते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट।